हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड यस, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हाउ वाज माय 9 to 5। तो पहले मैं बता दूँ कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर सीए फाइनल ग्रुप 2 नवंबर 2022 एग्ज़ाम। एंड मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, इट्स 14th of September। तो अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है एंड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब बिल्डअप होता है तो पढ़ाई में थोड़ा सा होता है ना, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। तो ओवरऑल आज का जो मेरा टारगेट था वो, जैसा कि मैं 2 सब्जेक्ट करती हूँ दिन में, तो आज का मेरा टारगेट 2 सब्जेक्ट के लिए जो मैंने लिया था, दैट इज़ IDT, क्योंकि अभी तक मैंने IDT का कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं लगाया था एंड द सेकंड वन इज़ SCMP। तो मैंने 2 सब्जेक्ट सोचा था कि मैं करूँगी एंड IDT में मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड देन जो टाइम बचेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो मेरा था वो कंप्लीट होने वाला है एंड आठ क्वेश्चन ऑलमोस्ट बचे हैं, 8 या 10 क्वेश्चन, तो वो भी मैं कर लेती। तो मैंने स्टार्ट किया अपना दिन एज़ यूजल, 9 बजे से स्टार्ट नहीं हो पाया एंड वो दिन स्टार्ट हुआ 9:20 से एंड आप कह सकते हैं 9:30 बजे से अंटिल वो चला है 5:30 तक। तो ये जो मेरा शेड्यूल था जो मैंने स्टार्ट किया, पहले मैंने स्टार्ट किया IDT से आज, क्योंकि मेरी क्वेश्चन बैंक भी आ गई है अतुल अग्रवाल से, तो मैंने IDT से स्टार्ट किया। एंड IDT में मैंने स्टार्ट किया टाइम ऑफ सप्लाई वेरी फर्स्ट। तो टाइम ऑफ सप्लाई में जो अतुल अग्रवाल की क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट उसमें 31 क्वेश्चन थे। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है आप कह सकते हैं कि बहुत, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं आते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया उसको एंड जब मैंने करना शुरू किया 9:30 बजे से, तो वो मुझे लग गया अराउंड 1 बजे के एंड 1 बजे तक मैंने उसको टाइम ऑफ सप्लाई किया। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में अराउंड 40 क्वेश्चन थे एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कल मैंने, जैसा कि प्रोविज़न मैंने पढ़ा था, मतलब बुक से पढ़ा था और थोड़ा सा क्लासेस भी देखी थी यशवंत मंडल सर की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी प्रोविज़न मुझे मतलब था कि हाँ मैंने उसको किया है तो मुझे क्वेश्चन करने हैं। तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कि हाँ ख़त्म हो जाएगा अराउंड मतलब 4:30 बजे तक। मैंने 1 बजे तक टाइम ऑफ सप्लाई ख़त्म किया था, तो मैंने उसमें लंच भी कर लिया था, मेरा जो ब्रेक वेक था वो सब लेके 1 बज गया था वो। एंड मेरे पास 1 से 4 मैंने सोचा था कि हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर मिलेगा तो 4:30, बट उसमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया एंड अराउंड 5:15 बजे तक, 5:15 क्या कह सकते हैं आप, 5:20-5:25 तक, 5:25 तक मैं वही कर रही थी। एंड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो तो अच्छे थे, बट जो बाद के क्वेश्चन थे, बाद के क्वेश्चन इन सेंस की लाइक जो हम लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें जो कंप्यूटेशन ऑफ GST निकालना होता है उसमें का क्वेश्चन था वो, और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे और काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ इसको लगाने में क्या ही लगेगा, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें दिमाग भी लग रहा था। और मुझे, मैं बताऊँ कि IDT मेरा बिल्कुल भी मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, मुझे IDT के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुझे वेरी फर्स्ट मुझे पता है कि हाँ IDT मेरा वीक है एंड मुझे उसके लिए मेहनत भी अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड एज़ यूजुअल जैसा था वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैंने जब टाइम ऑफ सप्लाई किया तो वो मैनेजेबल था, मैंने उसको कर लिया था अच्छे से, बट जब मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई को स्टार्ट करना शुरू किया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो जो छोटे छोटे थे वो तो मैं मैनेज कर ली गई थी, वो तो मैंने कर लिया, बट जैसे लास्ट के क्वेश्चन आना शुरू हुए, मतलब जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ GST निकालना था, तो मेनली वो सारे जो क्वेश्चन जब शुरू हुए तो वो मतलब क्वेश्चन मुझे बहुत ही प्रॉब्लम दे रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक मुझे बहुत दिक्कत आई उसको करने में। एंड आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ मतलब मैंने क्या पढ़ा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जस्ट मैंने उसकी रीडिंग ले ली एंड देन रीडिंग लेने के बाद मैंने बस जैसे तैसे करके उसको कंप्लीट किया, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन थे एंड मुझे टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, तो बस मैंने जैसे तैसे करके उसको कंप्लीट किया। बट मुझे जो लगता है कि जैसे मुझे पता है कि हाँ मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है एंड एवरेज चीज़ें क्या हैं, तो स्ट्रॉन्ग तो हालांकि कुछ भी नहीं है एंड बट मुझे पता है कि हाँ मतलब DT SCMP एंड इकोनॉमिक लॉ एवरेज है, मैं कर ले जाऊँगी एंड मैं पढ़ूँगी टाइम दूँगी तो वो सब हो जाएगा। बट फॉर IDT मुझे वेरी फर्स्ट बहुत ही मतलब डे वन से पता है कि IDT मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे IDT में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैं IDT के क्वेश्चन में मतलब अभी तो एटलीस्ट ठीक है, 1 मंथ का टाइम है मेरे पास कि मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकती हूँ और थोड़ा सा टाइम भी इधर मैनेज हो जा रहा है, 9 to 5 मिल जा रहा है अच्छे से पढ़ाई करने का। तो IDT के लिए मुझे थोड़ा सा और भी मतलब हार्डवर्क करना है, IDT उतने से हो नहीं पाएगा जितना मैंने किया है, क्योंकि आई नो अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाते हो, क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, तो कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि हाँ आपने प्रोविजंस को रीड कर रखा है एंड आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन पढ़ना, प्रोविजन को पढ़ना एंड क्वेश्चन करना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं IDT को थोड़ा फोकस करूँगी। तो ओवरऑल जो आज का दिन था वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, क्योंकि लास्ट में मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, क्योंकि IDT के क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई। तो फिलहाल जो भी है जैसा भी है, अब कल भी स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं कि कल
कल का क्या मेरा टारगेट होता है एंड मैं कितना अचीव कर पाती हूँ कितना नहीं। तो आज का मेरा जो टारगेट था वो IIT और SCMT, जिसमें से SCMT मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाई, उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। तो दैट्स वाई जो थोड़ा सा मूड इसलिए भी ऑफ है कि हाँ, मतलब कुछ टारगेट सेट किया था वो टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप टारगेट सेट करते हो और टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा खुशी देती है। तो फिलहाल दिस वॉज माई डे 9 to 5 एंड जो दिन था मैं अच्छा नहीं कहूँगी, एवरेज कहूँगी, इट वॉज बस ओके कह सकते हैं। सो जैसा भी था, आप लोगों की भी प्लानिंग जो भी पढ़ाई की होगी, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपकी पढ़ाई कितनी घंटे हुई और कैसी हुई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।